रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ग्रेट मूवी में से एक जो कि आ चुका है सिनेमा घर के अंदर और मैंने देखा और इस मूवी को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा रोया। ये कोई रिव्यू नहीं, ये मेरा फीलिंग है जो कि आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी का स्टोरी क्या है और ये मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आगे वीडियो को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साफ साफ बोलूँगा कि 100% तुम जाओ और इस मूवी को देखो, क्योंकि द कश्मीर फाइल यदि तुमको पसंद आया तो ये मूवी भी तुमको पसंद आएगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर भी तुम्हारे देश के बारे में एक ऐसा डार्क साइड या क्या सकते हैं एक ऐसा डार्क स्टोरी दिखाया गया है जो कि हमें पता नहीं होता। हमें ये तो पता होता है कि भाई हमारा देश दुनिया का सबसे पहला देश बन चुका है जो कि मंगलयान को सफल किया है बस एक अटेम्प्ट में, लेकिन ये नहीं पता है कि उसके पीछे हमारे साइंटिस्ट को क्या सहना पड़ा। देशद्रोही तक का आरोप लगाया हमारे साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने अपना जान तक यहां पे दांव पे लगा दिया था हमारे इसरो के लिए। उनको यहां पे देशद्रोही का आरोप उन पे लगा और उनको मारा गया, पीटा गया, थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया। थर्ड डिग्री टॉर्चर के बारे में पता नहीं है तो आर्टिकल जाओ गूगल पे पढ़ लो या यूट्यूब पे देख लो। ये एक ऐसा डिग्री का टॉर्चर होता है पुलिस के द्वारा, इसमें कई लोग मर भी जाते हैं। तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट सर नंबी नारायण को उतना सहना पड़ा। मूवी का डायरेक्शन का बात करूं तो भाई साहब मूवी का कोई डायरेक्शन के बारे में बात करना बनता ही नहीं है। मूवी देखते हुए कहीं पर भी यह नहीं लगेगा कि भाई ये मूवी है। जब सेकेंड हाफ शुरू होगा, फर्स्ट हाफ में तो तुम्हें मजा आएगा, थोड़ा सा हंसी भी लगेगा और यह देखने को मिलेगा कि सर नंबी नारायण ने क्या क्या किया था, लेकिन जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तो भाई तुम रोओगे, तुम गिड़गिड़ाओगे और तुम्हारा एक एक सेकंड बीतना मुश्किल हो जाएगा हॉल के अंदर और तुम यही सोचोगे कि भाई इतना कैसे उन्होंने सहा और फिर भी उन्होंने इतना कैसे किया देश के लिए। तो ये होता है देशभक्ति। अब बहुत कोई बोलेंगे कि भाई इसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डायरेक्टर है आर माधवन, उन्होंने बोला कि हमने कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया है, हमने वही दिखाया है जो कि सर नंबी नारायण ने झेला है। और सर नंबी नारायण लास्ट में आते हैं इस मूवी के अंदर और एक लाइन, शाहरुख खान इस मूवी के अंदर है लेकिन उन्होंने एक रुपए भी नहीं लिया इस मूवी के लिए। तो भाई उनके लिए मैं शाहरुख खान को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने अच्छा काम किया। और ऊपर से शाहरुख खान ने बोला था कि मुझे किसी भी तरह इस मूवी के अंदर काम करना है। तो ये होता है हमारा, मतलब कह सकते हो बॉलीवुड एक्टर में से कुछ जो कि अच्छे होते हैं। तो हाँ, तो मूवी का बात कर लेते, शाहरुख खान ने जो एक्टिंग किया है वो भी बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। और शाहरुख खान लास्ट में सर नंबी नारायण से, रियल सर नंबी नारायण आते हैं सेट के ऊपर और उनसे मूवी के लास्ट में एक सवाल पूछते हैं या क्या सकते हो माफी मांगते, शाहरुख खान घुटनों पर आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं पूरे देश के तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। भाई वो देख के मैं लिटरली रो पड़ा था। और जब कैमरा घूमता है सर नंबी नारायण के ऊपर और जब वो एक लाइन बोलते हैं कि मैं माफ नहीं कर सकता हूं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा ही टाइप का डायलॉग मारते हैं कि मैं माफ नहीं कर सकता, यदि मैं माफ कर दूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको पकड़ो जिसने ये सब किया, कोई तो कड़ा होगा, यदि मैंने देशद्रोह नहीं किया था तो कोई तो एक ऐसा होगा जिसने किया था, तो जिसने किया था उसको पकड़ो। तो ये भाई बहुत ही डार्क यहां पे मीनिंग था कि भाई अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। भाई ये कैसे मैं समझाऊं। साथ ही साथ यहाँ पे 1 करोड़ रुपया यहाँ पे कंपनसेशन देने का यहाँ पे किया गया था सरकार के तरफ से कि सर नंबी नारायण को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन उसमें से अभी तक सिर्फ 10 लाख रुपए मिले हैं जो कि भाई इनसेन है। मतलब दिमाग फट गया मेरा देख के कि भाई हमारे देश के अंदर ऐसा हो रहा है, वो भी ग्रेट साइंटिस्ट के साथ, तो हमारे साथ तो भाई कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ इस मूवी का मैं कुछ सीन बताता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल है। सबसे पहले जब फ्रांस के अंदर जाते हैं और सबसे पहला हमारा इंजन टेस्ट होता है, तो भाई साहब वो 140 सेकंड 145 सेकंड मेरा कैसा बीतता है मैं ही जानता हूँ, क्योंकि भाई वहां पे मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा होता है कि भाई किसी तरह फास्ट फॉरवर्ड करो और मुझे रिजल्ट पता। और मैं कुर्सी को ऐसे पकड़ के दिल मेरा धक धक कर रहा होता है, ऐसा कह सकते हो दिल मेरा रुक सा जाता है और मैं यही सोच रहा होता हूँ कि भाई किसी तरह रिजल्ट बताओ कि आगे क्या होगा। और जो इंजन ने परफॉर्म किया था भाई 180 सेकंड तक चला था और भाई और भी ज्यादा देर तक चलता, उसके अंदर यदि फ्यूल रहता तो हमारे इंजन ने धोखा नहीं दिया, लास्ट चला जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया। तो ये था हमारा ग्रेट साइंटिस्ट का काम। साथ ही साथ एक और सीन है, वो भोज खा रहे होते हैं, मतलब भोज में गए होते हैं और वहां पे सुप्रीम कोर्ट से कॉल आता है कि आप निर्दोष हो, आपको यहां पे जो भी आरोप आप पे लगाया गया था वो बिल्कुल ही फॉल्स है और आप बिल्कुल निर्दोष हो। भाई वहाँ पे मैं दिल को पकड़ा और लिटरली ऐसे दबा के बैठा और मैं बोल रहा था कि भाई चलो यहाँ पे इनको इतना तो कोर्ट से इंसाफ मिला। और वहाँ पे वो जो सीन है ना, जिस हिसाब से उनकी पत्नी रोए, बेटा रोया और जिस हिसाब से क्राउड दिखाया गया था, उससे पहले कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था और सब लोग उनको देख के हंस रहा था, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का कॉल आया उसके बाद सब उनके पास आने लगे थे। ये हिपोक्रेसी दिखाया जाता है हमारे जनता का भी कि भाई दिखा दिया कुछ
तो फैक्ट नहीं जानना, बस उनको मान लेना है कि ये देशद्रोही है। साथ ही साथ एक और यहां पे सीन है जहां पे मारा जाता है, थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, ये क्या सकते हो, मारा जाता है भाई साहब। वो सीन मैं कह रहा हूं कि सर आर माधवन जी ने वो कम ही दिखाया होगा, उससे ज्यादा ही हुआ होगा सर नंबी नारायण के साथ, लेकिन कम दिखाएगा। लेकिन भाई जो मारा जाता है वो देख के मतलब गरम चाय उनके मुंह के ऊपर फेंका जाता है, जो कि भाई सोच लो कितना ज्यादा हार्ड बात है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि मूवी छोड़ने का नहीं है, जाओ मूवी देखो भाई। एक हफ्ता पिज्जा बर्गर नहीं खाओगे ना तो वैसे ही इस मूवी का टिकट आ जाएगा। तो जाओ इस मूवी को देखो, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, भाई के मम्मी पापा मम्मी पापा के साथ जाओ, मम्मी पापा को ऐसा मूवी दिखाओ, क्योंकि यदि कश्मीर फाइल पसंद आया है आपके मम्मी पापा को तो ये भी डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा स्टोरी दिखाया गया है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये रिव्यू नहीं फीलिंग था मेरा जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। सर आर माधवन आपको मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं और एक ही बात बोलना चाहता हूं कि बहुत बड़ा थैंक यू, आपने ऐसा मतलब डार्क ट्रूथ दिखाया है और ये दिखाया है कि साइंटिस्ट को क्या क्या झेलना पड़ता है। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड कीप वॉचिंग योर क्लाइंट द हैप ट्यूब, बाय। नहीं द हैप ट्यूब क्या, कीप वॉचिंग सुपर टॉक, बाय।